प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। भूत को टांगे नहीं होती, पैर नहीं होते, वापस आने के लिए वो दौड़कर नहीं आ सकता। भविष्य के पास आंखें नहीं होती, वो अंधा होता है, उसे पता नहीं है। आपको पता है कि भविष्य में क्या होना है? नहीं पता। और भूत तो लंगड़ा हो गया, वो तो दौड़ ही नहीं सकता। तो जिसके पास आंखें भी है और जिसके पास पैर भी है, वो कौन सा समय है? वर्तमान। वर्तमान को सुंदर बनाओ, भविष्य सुंदर है। पहले ऐसे हो गया, वैसा हो गया, जो हो गया उसको छोड़ दो। आज क्या कर सकते हो वैसा कर लो। लोग कहते हैं ना कि ये मेरे किसी पुण्य का प्रताप है कि आप मिले हो, हमारे पुण्य का प्रताप है बेटा अच्छा मिला है, हमारे पुण्यों का प्रताप है पति या पत्नी अच्छी मिली है। तो अगर आपके पुण्यों का प्रताप है जो आज आपको कुछ अच्छा मिला है, तो इसका मतलब अगर आज आप कुछ अच्छा करते हो तो भविष्य में आपको कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। इसीलिए आज अच्छा कर लेना चाहिए, नेकी कर ले। आज समय है, आज का ही सत्कर्म कर लो, साधन कर लो, जो कुछ समझ में आता है भलाई कर लेना चाहिए। तो अगर आज सुंदर हो गया, कल वैसे सुंदर हो जाएगा। इसीलिए मौका चूकना नहीं चाहिए। अगर सत्संग का मौका मिलता है, भजन का मौका मिले, दर्शन का मौका मिले और संत संगति का मौका मिले, तो चूकना नहीं चाहिए। कहते हैं जन्मों जन्मों के पाप संतों की संगति मात्र से दूर होने लगते हैं, कई जन्मों के अघ नाश होने लगते हैं संतों की संगति से। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक संतों की संगति करना चाहिए। ये भी पुण्य प्रदायिनी है, पापों को धोने वाली, बुद्धि को शुद्ध करने वाली, मन के मैल को धोने वाली। इसीलिए परत 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 होत भी सील सुजान, पढ़ते 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 पत्थर में भी, बारिश का पानी पड़ता है ना तो पत्थर में भी घर होने लगता है, छेद होने लगता है। तो हमारा हृदय तो चेतन है, सत्संग सुनते 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 प्रेम पाते 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 हमारे हृदय में भी वो सुराख होने लगता है जहाँ पर ज्ञान टिक जाए। इसीलिए प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आज अच्छा तो कल अच्छा, वर्तमान सबसे सुंदर। दर्शन का अर्थ भी बहुत सुंदर है। दर्शन मतलब जो अच्छा दर्शन करे, आँखों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो सुदर्शन करे उसे दर्शन कहते हैं। अच्छे दीदार करना, अच्छे दीदार मतलब शुभ चिंतन, अशुभ संकल्पों को जो आप देखते हो ना वैसा ही आप सोचते हो। जो आप देख लेते हो ना एक बार, जैसे टीवी पे पिक्चर देखते हो और रात को अगर हॉरर मूवी देख ली आपने, तो रात को आपने भूत सपने में आने, पक्की बात, डर लगना पक्की बात है। होता है नहीं होता बताओ? होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने देखा, आपने देखा। सुनने की अपेक्षा देखना ज़्यादा ग्रास्प होता है। फिर जब आप देख के सो जाते तो रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, उल्टी सीधी चालें दिखाई देती है, टेढ़े मेढ़े अंग दिखाई देते हैं, क्योंकि आप उल्टा सीधा देख के सोए। इसीलिए रात्रि को सोने से पहले सब कुछ दिमाग से बाहर निकाल के सत्संग सुनते हुए, जप करते हुए, परमात्मा में विश्रांति पाते हुए सोना चाहिए। नहीं तो जो लोग भयावनी मूवी या भयावना चिंतन करते सोते हैं रात को, उनको सपने भी वैसे आते हैं और धड़कने भी उतनी ही तेज़ चलती है। तो रात को सोया नहीं आदमी, चलता रहा दिमाग तो चलता रहा। तो हमारा जो दर्शन होता है वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसीलिए सुंदर दर्शन करना चाहिए। दर्शन करके जाते हैं, जिन दिनों बहुत अच्छे दर्शन हो, बहुत अच्छी बातचीत हो, बहुत अच्छा आनंद हो, तब आपको रात्रि को भी घूमता ना, अरे आज तो क्या दर्शन हुए। क्यों? आँखों के द्वारा आपने भीतर लिया। तो केवल खाना ही भीतर नहीं लेते, हम दर्शन के द्वारा भी मन को बनाते हैं। अच्छा देखना चाहिए, अशुभ संकल्पों से दूर रहना चाहिए। अशुभ विचार अशुभ संकल्प बनते और अशुभ संकल्प अशुभ जीवन बनाता है। इसीलिए अशुभ संकल्पों से जितना हो सके बचना चाहिए। इसीलिए सुंदर दर्शन
पहले तीर्थ का क्यों विधान था, तीर्थ जाना चाहिए, साल में एक बार दो बार जरूर तीर्थ जाना चाहिए। तारयति इति तीर्थ, जो तारण करने वाला है, जो तारता है उसे तीर्थ कहते हैं। तो दर्शन क्या है? जो अशुभ दर्शन का नाश करे, सुदर्शन की प्राप्ति कराए, वो दर्शन है। इसीलिए दर्शन करना चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत है, वो व्हाट्सएप पे आया और स्क्रॉल किया, ऊपर से नीचे गए, नीचे से ऊपर गए, आज के ताजे दर्शन हो जाते हैं, नहीं एकदम लाइव। हाँ, ताजे ताजे भोजन की तरह ताजे ताजे दर्शन होते, नहीं करते हो ना आप लोग? तो शराबी को देखकर शराबी याद आता है, डॉक्टर को देखकर दवाखाना भी याद आता है, हॉस्पिटल याद आती, तो संतों को देख के परमात्मा भी तो याद आता है। इसीलिए दर्शन करना चाहिए।